जब सुरीली सी सरगम कानों में रुंझुन रुंझुन, दूर पहाड़ों से गिरकर एक नदी जमी पर आती, अपना मल्हार बजाती है, लाखों त्योहार मनाती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें थोड़ा इतिहास है, थोड़ा भूगोल, थोड़ी संस्कृति, थोड़ा संगीत और थोड़े गीत। ये गीत है नदियों के, क्योंकि नदियाँ जहाँ जहाँ से बहती हैं, वो सिर्फ बहती नहीं, वो गाती भी हैं। गीत जिंदगी के, गीत संस्कारों के, गीत रीति रिवाज के, और नदियों के साथ बहते हुए हम भी उन्हीं गीतों को सुनेंगे। हमारी आज की इस कड़ी की नदी है नर्मदा, जिसका दूसरा नाम रेवा भी है। नर्मदा प्रलय से पहले की नदी, गंगा से भी पवित्र, वरदा प्राणदा, जो रहेगी सर्वदा नर्मदा। नदियों की वजह से ही सभ्यताएं पनपती हैं, कहानियां बनती हैं, बस्तियां बसती हैं, और ये पानी ही है जो उन्हें खुशहाली देता है, ईश्वर पे विश्वास दिलाता है और समाज का निर्माण होता है। जब मिट्टी में खुशहाली आएगी तो मिट्टी गाएगी ही, इसीलिए नदियों के बारे में यही कहा जाता है कि वो सिर्फ बहती नहीं, गाती भी है। नदियां हैं तो धर्म है, धाम है, और इस वक्त हम आप पहुंचे हैं नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक में। और अमरकंटक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ वही पहुंच सकता है जो पाप मुक्त हो। अमरकंटक की पहाड़ी समुद्र तल से करीब 1000 फीट की ऊंचाई पे, विंध्याचल पहाड़ी पे अमरकंटक पर बना ये कुंड नर्मदा का उद्गम है। 1300 किलोमीटर लंबी विशाल नदी का जन्म इसी जगह से हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार अमरकंटक का अर्थ है देवताओं का शरीर, और यहाँ की यात्रा से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जब कालिदास जी 2500 वर्ष पहले अमरकंटक आए तो उन्होंने इस पर्वत को शिव के समान ही देखा, और जो वृक्ष हैं उनमें लताएं ऐसी लपटी हुई थीं जैसे जटाएं होती हैं, और इस मैकल पर्वत का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा नर्मदा जी को मैकल करने का। नर्मदा उपमा है, नाम नहीं है, जो नाम अरे वो नर्मदा है। कहानियां चाहे जितनी भी हों, विंध्याचल पर्वत माला के इस पर्वत को पूरे पर्वत श्रृंखला का शिरोमणि भी कहा जाता है। अमरकंटक विंध्याचल का सर्वोच्च शिखर है, ऊंचाई के साथ साथ अपने गुणों के लिहाज से भी ये सिर्फ नर्मदा की जन्मस्थली ही नहीं, बल्कि भारतीय दर्शन, आध्यात्म, संस्कृति का संगम भी है। अमरकंटक पाप मुक्ति का स्थान तो है ही, पर्यटकों की परीक्षा लेने के लिए यहाँ एक पत्थर का हाथी भी बना है, जिसके मन में ईमानदारी और सच्चाई हो, कहते हैं वही इसमें से गुजर सकता है। अमरकंटक से नर्मदा की और भी बहुत सारी शाखाएं निकली हैं,
उन्हें नर्मदा की बहने कहा जाता है। इन सब ने मिलकर इस मिट्टी में ऐसे पेड़ पौधे विकसित किए जो हर तरह की बीमारी से इंसान की रक्षा करते हैं। गुलबकावली पुष्प यहाँ का प्रसिद्ध जड़ी बूटी है। गुलबकावली दलदली भूमि में होता है। अमरकंटक में आज से 60-70 साल पहले पूरा दलदल था और दलदली भूमि में नमी ज्यादा होती है। नमी के कारण यहाँ गुलबकावली का पुष्प ज्यादा होता है जो नेत्र रोगों के सभी रोगों को दूर करता है। इसका अर्क निकालते हैं और अर्क को नेत्रों में डाला जाए तो अंधा भी दृष्टि पा सकता है। यहीं अमरकंटक पर माई की बगिया में नर्मदा का बचपन बीता। बाद में नर्मदा कुंड पे आकर उनका अवतरण उद्गम पे हुआ। इस माई की बगिया में नर्मदा का असली घर है। नर्मदा माई का आंगन, उनके बचपन का बागीचा। यहाँ श्रद्धालु नर्मदा के कन्यादान के लिए आते हैं और इसी बगिया में पाए जाते हैं तरह तरह के अद्भुत दुर्लभ पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां। गुलबकावली का पौधा उन्हीं में से एक है। नर्मदा को राजा सोनभद्र से प्रेम था और उनकी दासी जोहिला ने उन्हें धोखा देकर खुद राजा से विवाह कर लिया। नर्मदा नाराज हुई और उल्टी दिशा में बहने लगी। आज भी जोहिला नदी को अपवित्र ही माना जाता है। वो यहां से थोड़ी दूर पर ही बहती है। नर्मदा के जन्म के बहुत सारे वर्णन मिलते हैं अलग अलग ग्रंथों में। इसे शिव के स्वेद यानी पसीने से निकली भी कहा जाता है। जब शिव ने देवताओं से पूछा कि नर्मदा का वेग कौन धारण करेगा तो विंध्यपुत्र मेकल ने नर्मदा का वेग धारण करना स्वीकार किया और नर्मदा पृथ्वी पर अवतरित हुई। अमरकंटक को इसलिए मेकल भी कहा जाता है और नर्मदा को मेकल सूता। और महाकवि कालिदास ने आम के पेड़ों की वजह से इसे अम्रकूट कहा। शिव की पुत्री नर्मदा शंकरी, रोग मुक्त करने वाली, पाप हरनी, मोक्षदायिनी। अमरकंटक तो लाखों सालों से विराजमान है, सतयुग के समय से ही। लेकिन यहाँ सभ्यताओं के बसने का इतिहास 6000 साल पुराना माना गया है, जब यहाँ सूर्यवंशी सम्राट मनधाता की नगरी थी। उस नगरी के निशान तो नहीं दिखते, लेकिन दिखाई देते हैं कालचूरी वंश के अवशेष, कुछ ईंटें जो गीत गा रही हैं खामोशी से। एक 1042 ईस्वी में बने ये मंदिर सर झुकाए मानो चिरंतन से योग मुद्रा में है। इन्हें देखकर महसूस होता है ये भी किसी प्रार्थना में लीन है। जहां नदियां हैं वहीं सभ्यताएं हैं, वहीं संस्कृति पनपती है और वहीं विभिन्न प्रकार की मान्यताएं शुरू होती हैं, जिसे नदी की परिक्रमा कहते हैं। भारत में नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, यानी 1300 किलोमीटर की नदी का एक चक्कर लगाना, 2600 किलोमीटर की पदयात्रा। शर्त यह भी है कि न रुकने का स्थान तय होता है न खाने का, लेकिन ये यात्रा अत्यंत कठिन है। इसीलिए लोग बस और दूसरी गाड़ियों से एक समूह में यात्रा करते हैं और निश्चित जगह पर पड़ाव डालते हैं।
नर्मदा ने अपने किनारों पे संस्कृति के जो बीज बोए उन सबका जिक्र करना तो संभव नहीं है, लेकिन आखिर नर्मदा में ऐसा क्या है जो इस कठिन यात्रा को करने लोग निकल पड़ते हैं? तमाम तकलीफों को झेलते हुए परिक्रमा करने वालों को ऐसा कौन सा सुख मिलता है, इसके बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये तो सिर्फ वही जानता है जिसने इस तकलीफ को भोगा हो, या कहिए इस आनंद को जिया हो। संसार में एकमात्र नर्मदा की ही परिक्रमा की जाती है, एकमात्र नदी है सारे संसार में, क्योंकि लोग इसको चिरकुमारी नदी मानते हैं, इसलिए अत्यंत पवित्र नदी है और इसीलिए इसकी परिक्रमा की जाती है। एक परिक्रमावासी ने मुझसे कहा कि आपको अगर डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज है, अगर आपको एक बेहतर इंसान बनना है, अच्छा मनुष्य बनना है, तो उसके लिए कौन सा कॉलेज है? फिर उन्होंने ही कहा इसके लिए ये नर्मदा परिक्रमा है। देखिए 3 बरस 3 महीने 13 दिन तक नंगे पांव भिक्षा मांगते हुए चलना है, ये कोई साधारण तपस्या नहीं है। मेरे समस्त सृजन का आधार तो नर्मदा है, मेरी किताब भी उसके कारण संभव हो सकी, मेरे चित्र भी उसके कारण संभव हो सकी, तो मैं तो नर्मदा व्रती चित्रकार लेखक हूँ। अमरकंटक की पहाड़ी पे नर्मदा का इतिहास इतना रोचक है कि सारा समय यही निकल जाएगा। चलिए उसकी सुंदरता के नए रूप को देखें, इसका कौमार्य, इसका सौंदर्य आखिर क्यों इतिहास के पन्नों को शताब्दियों से शोभित कर रहा है। अमरकंटक में जन्म लेती है, जरा बड़ी होती है, चंचल धुन पे मचलती, खिलखिलाती, बच्चों की तरह लड़खड़ाती, कपिलधारा पहुंचकर साहसी नर्मदा 100 फीट गहरी खाई में छलांग लगा देती है। उद्गम से 5 किलोमीटर दूर कपिलधारा जलप्रपात है, वहां चलकर जाना पड़ता है और रास्ते में आपको शिव भक्त, नर्मदा भक्त अपनी ही धुन में खोए हुए मिल जाएंगे। आई मैं सादा ने तुम्हारे नारव दे मैया, मैं आई सादा ने तुम्हारे नारव दा मैया, मैं आई सादा ने तुम्हारे अमरकंत में जन्म लई, मां संकट काटने हारी मैया, संकट काटने हारी अमरकंत में जन्म लई, मां संकट काटने हारी मैया, संकट काटने हारी गातन गातन साजो बजे बजा बजा के ताली मैया, मैं आई दादा ने तुम्हारी नारव दा मैया, मैं आई दादा ने तुम्हारी। कहते हैं महान ऋषि महर्षि कपिल के नाम पे इस जलप्रपात को जाना गया, इसके पास उनका आश्रम भी है। आश्रम में हजारों साल से जल रहे अखंड धूनी की हिफाजत में बैठे उनके अनुयायी से हमारी मुलाकात हुई। बहुत समय पहले ऐसा बोलते हैं कपिल महामुनि जो गंगा सागर में है, उन्होंने आकर के यहाँ पर तपस्या करी थी, माता नर्मदा जी को प्रसन्न किया था, उनके नाम से कपिल धारा निकली है, और यहाँ ऐसा बोलते हैं कि सांख्य शास्त्र की रचना करी थी। शाम हो चली है और इस वक्त उद्गम पे आरती शुरू हो चुकी है। Thank you.
नर्मदा की घाटी से मनुष्य के इतिहास का पता मिलता है, उसके विकास का इतिहास, आदिम से लेकर अभी तक का। नर्मदा के आंचल में आदिम जातियां गोंड, बैगा, कोरकू, भूमिया, माड़िया आदि रहती हैं। मैकल की पहाड़ियों पे बसे गांव में जाएं, तो इन जातियों से मुलाकात हो जाती है जो लाखों सालों से यहां रह रही हैं। ये भी अपनी शैली में नर्मदा के गीत गुनगुनाती हैं, जो फसल उन्हें नर्मदा ने दी है, शायद उसका ये शुक्रिया अदा कर रही हैं। 1323 किलोमीटर की नर्मदा नदी अमरकंटक से मंडला तक की यात्रा 181 किलोमीटर में करती है। मंडला पहुंचते पहुंचते नर्मदा में यौवन आ चुका है। हर मौसम में लोग अपने दिन की शुरुआत इसी संगम घाट से करते हैं, जहां नदी वहां तीर्थ, और दिन की शुरुआत अगर तीर्थ से हो तो इससे बेहतर और क्या होगा। हम नर्मदा के पानी के साथ बहते रहे, लोग मिलते रहे, नर्मदा मानो जनमानस के नस नस में समाई हुई थी। उनके गीतों को लोगों ने अपनी जुबान पर सजा रखा है। नर्मदे नमामि देवी नर्मदे हृदय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे दिवाशुराश पामिनी नमामि सेतिदानी। मंडला के नजदीक ही नर्मदा नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है बरगी डैम, जो 1990 में तैयार हुआ। इस बांध का सबसे बड़ा आकर्षण है साफ नीले पानी का रिजर्वोयर यानी जलाशय, जिसे बरगी लेक भी कहते हैं। बरगी डैम पे एक संगीतमय सफर, जिसे पूरा किया मध्य प्रदेश पर्यटन ने, नीले पानी में फिसलती नाव और आगे मिलते मधुर गीत के सुर। अरे रेवा मर कंठ वाली मैया तुम को निभाली, कंठ वाली मैया तुम को निभाली, रेवा मर कंठ वाली मैया तुम को निभाली, रेवा मर कंठ वाली मैया तुम को निभाली, भोली भाली मैया तुम भोली भाली, कंटक से नर्मदा के बहाव के साथ बहते बहते हम आप पहुंचे हैं जबलपुर, और ये जबलपुर का गौरी घाट है, सबसे पूजनीय घाट। यहाँ पर लोग अपने पुरखों का पिंड दान करते हैं, और यहीं पर 1501 ईस्वी में सिखों के सबसे पहले गुरु गुरु नानक देव जी ने पड़ाव डाला और उपदेश दिया। उनकी याद में यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी। सर्दियों की शुरू के दिन हैं और नदी की सुंदरता इस समय मनमोहक है। धुंध में लिपटी इस खूबसूरत शिव की कन्या को देखकर इससे प्रेम कर बैठना स्वाभाविक है। एक नर्म नाजुक एहसास से भरी कोहरे के बीच से बहती गाती
नर्मदा। अमरकंटक से तेज वेग में आती नर्मदा मंडला और रामनगर महल पार करती हुई उत्तर दक्षिण में जबलपुर में एक नया रूप लेती है। 95 किलोमीटर की अपनी यात्रा करती हुई जरा धुंध छटी, सूरज झांका, तो सीढ़ियों पर बैठे परिक्रमा करने वाले लोग उसका स्तुति गान करने लगे। यहां से जरा आगे तिलवाड़ा घाट है। महात्मा गांधी की अस्थियों का यहां भी विसर्जन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इसी घाट के किनारे की थी और यहां के गोंड राजकुमारों ने सन 1857 के गदर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। संस्कृत वांग्मय में नर्मदा को नित्या कहा गया, यानी जब से ये संसार है, जब से मनुष्य जुड़ा हुआ है, तब से नित्य नित्य सामने है, सो नित्या है। तिलवाड़ा घाट पे रविवार आसपास के परिवारों के लिए सैर सपाटे का दिन होता है। यहाँ बैठकर वो खाना बनाते हैं। देश की सभी नदियों में सिर्फ नर्मदा का पानी ही पीने योग्य माना गया है। इसी के पानी में बन रहे इस विशेष व्यंजन का स्वाद भी पक रहा है। यहाँ से थोड़ी दूर 64 योगिनी मंदिर है। कहते हैं प्राचीन काल में जब कुल देवियों का निर्धारण हो रहा था तो 81 कुल देवियों की मूर्तियां स्थापित की गईं। इन्हीं में मगर के सिंहासन पर बैठी नर्मदा की मूर्ति भी है, जिसे वर्षिणी का नाम दिया गया है। बारहवीं सदी में बना गोंड रानी दुर्गावती का मदन महल भी जबलपुर की पहचान है, जो अपने आप में एक प्राकृतिक कौतूहल से कम नहीं है। भेड़ाघाट में नर्मदा का धुआंधार रूप देखने को मिलता है। इस जलप्रपात को धुआंधार फॉल्स कहा जाता है। यूं तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लेकिन अपनी संस्कृति की वजह से जबलपुर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। और इस वक्त हम हैं जबलपुर के भेड़ाघाट पर, जहां के मार्बल विश्व प्रसिद्ध हैं। संगमरमर के पत्थरों वाली इस जगह से गुजरते हुए ऐसा लगता है कि हम पाषाण युग में पहुंच गए हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार ये जगह 6 करोड़ साल पुरानी है। आसपास डायनासोर के जीवाश्म की उपस्थिति भी यही साबित करती है कि नर्मदा भारत की सबसे पुरानी नदी है। अद्भुत है नर्मदा की कथा, अद्भुत है उसकी छटा, ऐसी कथा किसी अन्य नदी की नहीं। कहते हैं जल प्रलय के बाद पृथ्वी का यही भूभाग ऊपर आया। पहाड़ 2 भाग में बटे और बीच में निर्मल सरिता नर्मदा बह निकली। नर्मदा का बहाव खंबाट की खाड़ी तक पथरीली घाटियों से होकर गुजरता है और सारे रास्ते इसकी ऐसी ही सुंदरता देखने को मिलती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नदियों के गीत, उनके संगीत, उनके सफर में। नदियाँ नदियाँ होते हुए हम भारत भ्रमण करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर इन नदियों में ऐसा क्या खास है जो हम इनकी पूजा करते हैं इन्हें देवी मानकर। क्योंकि नदियाँ सिर्फ बहती नहीं, नदियाँ गाती भी हैं। गीत जिंदगी के, गीत संस्कृति के, गीत सभ्यता के।
पिछले एपिसोड में हमने नर्मदा का एक हिस्सा तय किया तो पता चला इसके बहाव की ताकत क्या है, इसकी सुंदरता क्या है। नर्मदा का शांत निर्मल जल, जिसे जितना देखो उतना ही देखने का मन करता है। इसके साथ बहते हुए दिल को बहुत सुकून मिलता है। मन करता है कि बस चलते चलें और यूं ही बातें करते रहें। मध्य प्रदेश आने वाला हर सैलानी नर्मदा के दर्शन किए बिना लौट नहीं सकता, क्योंकि अगर गंगा में स्नान के बाद पुण्य है तो नर्मदा के दर्शन मात्र से ही मोक्ष है। अनूपपुर जिले के अमरकंटक से बहती हुई नर्मदा समतल जमीन पर आती है होशंगाबाद में। नर्मदा के किनारे बसा एक छोटा सुंदर सा शहर मालवा प्रदेश का हिस्सा है और सतपुड़ा की पहाड़ियों में बसा हुआ है। होशंगाबाद पर नर्मदा की छटा निराली है, शांत गंभीर मौन, मानो एक योगी की तरह तपस्या में लीन अपने आसपास की दिनचर्या को निहारते हुए। नर्मदा के किनारे दोनों तरफ बड़ी संख्या में माझी, केवट और कहार लोग रहते हैं, जो मछली पकड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा वो तरबूज खरबूज की खेती भी करते हैं। इन्हीं घाटों पर बच्चों ने एक रोजगार ढूंढ लिया है, पानी से सिक्के निकालने का। नर्मदा में सिक्के डालना इसकी पूजा करने का ही हिस्सा है। वो बात अलग है कि प्राचीन समय में सिक्के तांबे और चांदी के बनते थे और वो पानी की शुद्धता को खराब नहीं करते थे। परंपरा तो बची रही, बस सिक्के के धातु बदल गए। नर्मदा के इस घाट पे सबसे पहले हमारी एक ऐसे कर्मयोगी से मुलाकात हुई जो उसकी लहरों से लड़ता है, क्योंकि वो उसे अच्छे से जानता है। लीलाधर होशंगाबाद के इस घाट पर डूबते बच्चों की जान बचाने का काम करता है। नर्मदा के किनारे इंसानियत की एक मिसाल है। जात पात न रंग और धर्म, ये भी सेवा है, ये भी गीत है। हमने अभी आपको एक डूबते हुए बच्चे को बचाते हुए देखा। जो बाहर से जो व्यक्ति आते हैं वो इत्तेफाक से डूबने लगते हैं, तो उनको बचाने के लिए कूदना पड़ता है, फिर पकड़ के लेके आओ, उनको किनार पे लेके आना पड़ता है। होशंगाबाद का नाम पहले नर्मदापुरम था, बाद में मालवा के राजा होशंग शाह के नाम पर यह होशंगाबाद हो गया। सोयाबीन की खेती और पेपर मिल्स का ये शहर जाना जाता है अपनी सुंदर बुधनी और सिठानी घाटों के लिए। आदि शंकराचार्य ने नर्मदा की वंदना करते हुए लिखा है कि नर्मदा अपने तट पर बसने वाले छोटे बड़े सभी प्रकार के जीवधारियों को भोग और मोक्ष देने वाली है। ततत् सुजीव जंतु मुक्ति मुक्तिदायकम्। होशंगाबाद के घाट पे रोजगार भी चल रहा है और मंत्रोच्चारण के बीच नर्मदा को साक्षी मानकर किसी पूर्वज की आत्मा का उद्धार भी हो रहा है। देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। पानी के बहाव मात्र में एक संगीत है, नर्मदा का संगीत, धर्म का संगीत और विश्वास की धुन। इसका भले ही वेदों में वर्णन ना हो, लेकिन पुराणों में नर्मदा के निनाद का ब्रह्मनाद सुनने को मिलता है। इसी होशंगाबाद में नर्मदा भक्त उसके उपासक खड्डर जी का निवास है। प्रोफेसर खड्डर जी ने नर्मदा की परिक्रमा की है, एक बार नहीं 5 बार। विज्ञान के प्रोफेसर हैं, लेकिन ज्ञान अपनी जगह है, विश्वास अपनी जगह। सनातन धर्म और विज्ञान
ये दोनों ही अपने आप में सत्य हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाह रहा हूँ। वर्ल्ड की साइंटिस्ट टीम आई, उन्होंने फ्रॉम अबनकंटक टू भड़ोस तक पूरा जिला का सर्वे किया और उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट दी। वो रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली थी। उस रिपोर्ट में कहा है कि नर्मदा वैली इज द ओल्डेस्ट वैली इन वर्ल्ड, ये उनकी रिपोर्ट थी। इसलिए इसके ऊपर यदि बड़े बांध बनाए जाएंगे या इस प्रकार कोई बड़े बांध बनेंगे तो आगे जाकर और यह ज्वालामुखी और भूकंप की बहुत संभावना बढ़ जाएगी। नर्मदा नदी पहाड़ों से उतरती है, मचलती उछलती है, शोर मचाती है, तो उसे रेवा कहा गया, रेवती इति रेवा। ये दुनिया को नर्म यानी सुख देती है, तो इसे नर्मदा कहा गया। नर्मदाति इति नर्मदा, शिव की पुत्री तो ये है ही, और मेकल की पहाड़ी से उतरती सुंदर धार की वजह से मेकल सूता। जाहिर है इस नदी पर इतनी कथाएं कहानियां मिथक जब जुड़े हैं तो शायद इसीलिए कि ध्यान लगाने तप करने चिंतन करने वालों के लिए एक बेहद सही जगह थी। हमारी हर नदी की एक एक खासियत है। जैसे यमुना है तो वो कर्म की नदी है, नर्मदा है वो तप की नदी है, गंगा है वो भक्ति की नदी है, तो ये हर नदी का एक अपना अपना एक महत्व है। जल नीर पानी प्रकृति परंपरा और संस्कृति का जीवंत प्रवाह है, इसीलिए संस्कृति को जल स्वरूपा कहा जाता है। पानी पंच तत्व का एक महत्वपूर्ण तत्व है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम सरीरा। जो हमारा जो पंच तत्व का जिसे हम कहते हैं कि सिस्टम है कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, और पृथ्वी चूंकि हम मानते हैं कि शरीर मिट्टी है और इसमें जो नमी होती है वो जल की होती है, तो हमें जो जीवंत बनाती हैं जो चीज़ें उनमें से सबसे पहले आता है पानी। तो वो जैसे रहीम ने भी कहा ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो अगर मनुष्य को भी उबरना है तो उसे पानी रखना ही होगा। पानी के प्रवाह में जीवन है और नर्मदा के बारे में यही धारणा है कि परलोक में भी वह आनंद की दीप्ति बनी रहेगी और मुक्ति प्रदान करेगी। पुराणों में और धर्मशास्त्रों में इसका नाम है पापनाशिनी, पुण्यदायिनी, मुक्तिदात्री और पितृतारिणी। ये विशाल है, ये प्राचीन है, लोक में है, परलोक में होगी। सृष्टि में ये तब से है जब धर्म भी नहीं था। नर्मदा एक दिव्य प्रवाह है, शायद इसीलिए इसकी परिक्रमा धर्म की परिक्रमा है। धर्म के साथ रहने का एक उपक्रम है नर्मदा, और इस दृश्य की छटा रोज सेठानी घाट के इस आरती में दिखाई देती है। पानी भले ही कितना भी पवित्र हो, पीने योग्य तो सिर्फ नर्मदा ही है। इसके अलावा नर्मदा इसके किनारे बसने वालों को
अपने घर की ही कोई सदस्य लगती है। जो लोकगीत गाए जाते हैं हमारे क्षेत्र में उनको बम्बुलिया कहा जाता है। तो वो लोग नर्मदा को कभी नदी मानते ही नहीं हैं। वो जब नर्मदा की तीर्थ यात्रा पर निकलते थे तो गाते थे कि नर्मदा मैया ऐसी बिछड़ी रे जैसे महतारी बाप हो। हमें नर्मदा, वो उनको लगता था कि हमारे माँ बाप बिछड़ गए हैं। तो रिश्ता उनका नर्मदा से एक नदी का नहीं है, वो माँ बाप का रिश्ता है। और कई लोग नर्मदा को अपनी बेटी मानते हैं। हमने उसे आदर तो दिया लेकिन साथ ही उपेक्षा का शिकार भी हुई है। शिव के स्वेद से पनपी नदी और बदले में हमने उसे क्या दिया? उपेक्षा, अनादर। पितृतारिणी है तो लोग इसमें चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। अंजाम प्रदूषण, इसका श्रृंगार धूमिल हो रहा है। इसमें एक कुंवारी की लचक तो है लेकिन मटमैलेपन की कसक भी है। उसके गीत अभी भी गाए जाते हैं लेकिन क्या उसके स्वरों में वो पाकीजगी है, पवित्रता है? नर्मदा का जन्म होता है, भगवान शंकर उसे वरदान देते कि प्रलय में, कल्प के अंत में जब प्रलय होगा तब तुम नष्ट नहीं होगी। किसी तरह से प्रलय में नष्ट नहीं होती, लेकिन उसी समय देवताओं की लालची दृष्टि नर्मदा पर पड़ती है और नर्मदा वहां से अदृश्य हो जाती है। है पौराणिक कहानी लेकिन उसमें जो संकेत है वो बहुत बड़ा है। वो संकेत ये है कि जब हमारा लालच नर्मदा से जुड़ जाएगा तो नर्मदा नष्ट नहीं होगी लेकिन नर्मदा अदृश्य जरूर हो जाएगी। नदियों के किनारे उद्योगपति आ रहे हैं, उन्हें अपने उद्योगों को लगाने के लिए ऐसी जगह चाहिए जहाँ पानी हो, क्योंकि पानी उद्योगों की बड़ी ज़रूरत है और ये नदियों के लिए बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। नर्मदा समग्र नाम की एक संस्था का विकास हुआ इसी नर्मदा की सेवा के लिए, उसके घाटों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, नर्मदा की अलौकिक पारलौकिक शक्ति को बनाए रखने के लिए। नर्मदा समग्र की शुरुआत करने वाले श्री माधव दवे दरअसल राज्य की राजनीति में व्यस्त रहते हैं लेकिन नर्मदा को लेकर उनकी फिक्र की वजह से हम उनसे मिलने पहुंचे नदी के घर में। पूर्वजों का कोई प्रारब्ध है क्योंकि अपने दादा दादी माता पिता इन सब का विसर्जन मैंने नर्मदा में किया। नर्मदा के साथ मेरा संबंध केवल आध्यात्मिक या धार्मिक नहीं है। हमारा मत है कि नर्मदा को अगर हमने संभालने की कोशिश नहीं की, जो कि हम नहीं कर सकते, वो खुद ही संभाल रही है, लेकिन फिर भी अगर ध्यान नहीं दिया गया तो जैसे हमने गंगा और यमुना को खत्म कर दिया है, वैसे ही शायद आने वाले 10 सालों में हम नर्मदा को भी अपने हाथ से खो देंगे। जो कुछ दुराचार होता है एक नदी के साथ वो देखना बहुत कष्टप्रद होता है। जब हम नर्मदा के दूसरे तटों की यात्रा करते हैं जहाँ अभी मनुष्य की एक लालची प्रवृत्ति के साथ नहीं पहुँचा है और वहाँ नर्मदा को देखते हैं और शहर में नर्मदा को गटर के पानी मिलते हुए नर्मदा को देखते हैं तो बहुत तकलीफ भी होती है। नर्मदा नदी का ये सफर होशंगाबाद से आगे बढ़कर माहेश्वर और ओमकारेश्वर पहुंचा। अमरकंटक से भरूच तक 1300 किलोमीटर की नर्मदा को साफ सुथरा रखना, उसका इस्तेमाल कर रहे लोगों को जागरूक करना एक बड़ा काम है। नदियों को हमारे यहाँ कभी गंभीरता से पर्यावरण की दृष्टि से नहीं देखा गया। बचपन की किताबों में हर किसी ने पढ़ा होगा कि जल ही जीवन है लेकिन उसकी खिदमत करने का काम कम ही लोग कर रहे हैं। उसमें से एक नर्मदा समग्र है। इसी नर्मदा समग्र के कार्यकर्ता पंकज भाई मेहता हमें माहेश्वर में मिले। नर्मदा किनारे जो प्रदूषण फैल रहा है, चाहे वो पॉलिथिन हो, प्लास्टिक हो, चाहे झूठा हो, चाहे कागज हो, चाहे कांच हो, उनको जो नर्मदा जी में डालने की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से उनको दूर करने का प्रयास इसमें है। घाट सफाई,
लोगों को जागरूक करना ताकि नर्मदा जी में वेस्टेज न जाए। महेश्वर में मुस्लिम जो हैं वो नर्मदा जी की तरफ वैसे हुए हैं नर्मदा समग्र के कारण, लेकिन महेश्वर में विशेष करके नर्मदा जी को लेकर के बहुत जागरूक हुए हैं और कुरान और हदीश के आधार पर ये निष्कर्ष निकला है कि नर्मदा नदी वो नदी है जो कयामत के बाद भी जिंदा रहेगी। महेश्वर के घाट नर्मदा के सबसे सुंदर और साफ घाटों में माने जाते हैं। देश विदेश से सैलानी सिर्फ इसके स्थापत्य कला को देखने यहाँ आते हैं। होशंगाबाद के धर्म कर्म और आध्यात्म से ओतप्रोत हम नर्मदा के निश्चल जल के साथ बहते हुए एक खूबसूरत ऐतिहासिक नगरी आ पहुंचे हैं, माहेश्वर। महेश्वर घाट पे गूंजते हुए नर्मदा के स्वरों को सुनकर एक बार मानो हजारों वर्ष के भारत का इतिहास कानों में घुलने लगता है। मंत्रोच्चार, परिंदों की पुकार, पानी की आवाज, घाट पे नागरिकों का कोलाहल, अमरकंटक से बैठे हुए नर्मदा के साथ साथ जब हम महेश्वर पहुंचे तो घाट पे नदियों की स्तुति करते हुए बच्चे मिले। पता चला कि महेश्वर में महिष्मति संस्कृत विद्यालय में कर्मकांडों की शिक्षा आज भी होती है और पंडित बनाए जाते हैं। महेश्वर का ये घाट होलकर महारानी अहिल्याबाई के दुर्ग से जुड़ा हुआ है। 1725 में जन्मी अहिल्याबाई होलकर मराठी थी और उनका विवाह हुआ मालवा राज्य के राजकुमार से 8 साल की उम्र में। बाद में अपने पति और ससुर की मृत्यु की वजह से महेश्वर को मालवा की राजधानी बनाकर 1795 तक राजकाज चलाया। अगर आप रानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा देखें, उनका चित्र देखें, तो भगवान शिव की पिंडी को इस तरह से लिए हुए नजर आती हैं। यानी वो ईश्वर के सेवक के तौर पर राज करती थी और ईश्वर की प्रदत्त शक्तियों का सिर्फ एक माध्यम के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करती थी। अहिल्याबाई ने ही देश भर के कारीगरों को, बुनकरों को बुलाकर यहाँ राजकीय सम्मान के साथ अपना काम करने की सलाह दी और आज माहेश्वरी साड़ियाँ पूरे विश्व में मशहूर हैं। रेवा जल में छवि निहारे न्यारे और निराले हैं। रेवा जल में छवि निहारे न्यारे और निराले हैं। सुघड़ सलोने प्यारे प्यारे घाट महेश्वर वाले हैं। सुघड़ सलोने प्यारे प्यारे घाट महेश्वर वाले हैं। आती जाती चंचल लहरें कभी इनसे अटखेली, पाषाणी उत्कीर्ण संजोए शान है इनकी अलबेली। संतों के पग चूम रहे सदियों से डेरा डाले हैं। सुघड़ सलोने प्यारे प्यारे घाट महेश्वर वाले हैं। नर्मदा के गीतों का एक और स्वर सुनने को मिला उसके घाट पे दर्शन करने आए नर्मदा सेवक श्री हरीश दुबे जी से। मुस्काती है सबल सीढ़ियाँ संस्कृति सूत्र संभाले हैं। सुघड़ सलोने प्यारे प्यारे घाट महेश्वर वाले हैं। कविताओं के माध्यम से हो या कार सेवक की तरह प्रत्यक्ष रूप में हो, सेवा नर्मदा का चरित्र है। उसके गीतों का सबसे सुरीला छंद सेवा भाव ही है। इसी भाव को जीवित रखते हैं मोहनलाल सोलंकी,
मृतकों की सेवा करके। महेश्वर में अंतिम संस्कार का कार्यक्रम मैं ही देखता हूँ। पूरे महेश्वर का अभी तक करीब 1500 साल जमा चुका हूँ। घर से उठा के ले जाके वहाँ तक बांदा बूंदी करके घर से ले जाने का कार्यक्रम और वहाँ सल जमाने का कपाल क्रिया करने के बाद फ्री होता हूँ। मैंने अभी तक 500 से अधिक लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार, पूरे घाटों पे घटना एक्सीडेंट डूब जाते हैं, उनका कोई वारिस नहीं आता है। यहाँ घाटों पे से इस घाट पे से 4 डेड बॉडी उठा के ले गया, मैं इसी घाट पे से उनका अंतिम संस्कार करा है। मोहनलाल सोलंकी जी को इनकी सेवा के बदले में कुछ नहीं मिलता और इतनी बड़ी सेवा का कोई मूल्य भी नहीं। हाँ, सरकार से उन्हें सम्मान और प्रशस्ति पत्र जरूर मिले हैं। शिवतनिया कहलाती हूँ मैं, मेरा तप और तेज अपार, पल में पाप स्वयं जल जाते, दर्शन कर ले जो एक बार। पल में पाप स्वयं जल जाते, दर्शन कर ले जो एक बार, मेरे रम्य तटों पर रमते जोगी जति सती विद्वान। दुनिया दांतों तले उंगली दबाती है कि भारतीय समाज में कैसे शिखर, कैसी कहानियां और कैसी दरारें हैं, फिर भी ये समाज टूटता क्यों नहीं? शायद वो ये नहीं जानते कि भौतिक भेद और दरार के होते हुए भी भारतीय मानस एक धागे में गुथा होता है, क्योंकि उसके मोतियों को पिरोने वाली समन्वय, सौहार्द और सहचार्य की एक नर्मदा बहती है। तो महेश्वर की नर्मदा से हम यहाँ लेते हैं विदा, बढ़ते हैं आगे इसके सागर से मिलन की तरफ और देखते हैं कि नदियाँ जहाँ जहाँ से बहती हैं वो क्या क्या निशान छोड़ती हैं, कितनी संस्कृतियों को रंगती हैं, कितने गीत सुनाती हैं, क्योंकि नदियाँ सिर्फ बहती नहीं, नदियाँ गाती हैं। सोनू माझी, एक गीत हो जाए। माई नर बेदा के दौरा रे बहती सदिन रात, माई नर बेदा के दौरा बहती सदिन रात, माई नर बेदा के दौरा बहती सदिन रात, पसे किनारे वासी ओ मैया बुदनी हाट, माई नर बेदा के दौरा पे हो माँ।